वेलकम टू माय क्लास इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोग्राम देर आर नंबर ऑफ स्टेटिस्टिकल फंक्शंस गिवन टू अस। हेयर ए लिस्ट ऑफ सम ऑफ़ द स्टेटिस्टिकल फंक्शन इज गिवन ऑल फंक्शन लिस्टेड हेयर आर डिस्क इन सेपरेट वीडियो लेक्चर्स लेट अस स्टार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम दो फंक्शन को इकट्ठा टेकअप करेंगे

इसके लिए एक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी जनरेट कर दिया सो एज टू सेव टाइम पहले मैं ये एक्सेल के थ्रू दोनों फंक्शंस को टेकअप करूंगा उसके बाद स्टेटिकली हम इन दोनों फंक्शंस को इकट्ठा टेकअप करेंगे यहाँ पर मेरे पास चार कॉलम्स दिए गए हैं फर्स्ट इज ईयर सेकंड परसेंटेज डिविडेंड थर्ड इज डेविएशन फोर्थ इज डेविएशन स्क्वेयर इस जगह के ऊपर मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ईयर्स का नंबर लिख रहा हूं 2012, 2013. फिल हैंडल को सिलेक्ट करके मैंने नीचे इसको ड्रैग डाउन कर दिया अप टू 2021. परसेंटेज डिविडेंड के कॉलम के अंदर मैं यहां पर कुछ परसेंटेज को टेकअप करूंगा कंपनी ने ओवर नंबर ऑफ ईयर्स कुछ परसेंटेज ऑफ डिविडेंड पे की है ये इंफॉर्मेशन मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर टेकअप कर रहा हूँ फोर्टीन परसेंट सिक्सटीन परसेंट थर्टीन परसेंट ट्वेल्व परसेंट नाइनटीन परसेंट फोर्टीन परसेंट सेवेंटीन परसेंट एलेवन परसेंट ट्वेल्व परसेंट ट्वेल्व परसेंट इससे पहले कि मैं डेविएशंस के ऊपर मूव करूँ मैं यहाँ पर दो फंक्शंस को टेकअप कर रहा हूँ दिस इज इक्वल टू काउंट मुझे ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को काउंट करना है ये यहां पर मैंने पूरी की पूरी रेंज को दे दिया पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस एंटर हमने काउंट की जिस फंक्शन को यहां यूज किया है वो मैं नीचे आपकी रेफरेंस के लिए दे रहा हूं सिमिलरली आप मुझे ये परसेंटेज डिविडेंड हैज़ बीन पेड बाय द कंपनी ओवर नंबर ऑफ इस इसकी मुझे एवरेज निकालनी है क्वल टू एवरेज बी फोर टू बी थर्टीन आई प्रेसेंट मेरे पास परसेंटेज डिविडेंड की एवरेज आ गई फोर्टीन यहां पर मेरे पास एवरेज डिविडेंड परसेंटेज आ चुकी है मैं यहां पर डी को कैलकुलेट करूंगा डी इज एक्स माइनस मीन ये जो डिविडेंड है हमारे पास ये हमारे पास एक्स वेरिएबल है मैं यहां से डेविएशन को कैलकुलेट कर रहा हूं फोर्टीन माइनस दिस एवरेज जब मैं इसे डाउन करूँगा तो यह एवरेज की रेफरेंस चेंज हो जाएगी ये एवरेज की रेफरेंस चेंज ना हो मैं इसको फिक्स करने के लिए F4 प्रेस करके एबसलूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ आई फिल हैंडल के जरिए मैंने इसको डाउन कर दिया नाउ आई नीड टू कैलकुलेट दी एक्स माइनस मीन का होल स्केयर डेवियशन का स्केयर हमें यहाँ पर निकालना है तो मेरे पास दो तरीके हैं द फर्स्ट वन इज इक्वल्स टू सी फोर पेरेंथिस क्लोज कैरेट साइन टू आई प्रेसेंट ये मेरे पास डेविएशन का स्केयर आ गया मैं इसी चीज़ को आपको यहाँ पर भी करके दिखा देता हूँ इसके लिए हमारे पास एक और रास्ता भी है इक्वल्स टू C4 फोर मल्टीप्लाइड बाय सी फोर आई एंटर मैं इसको डाउन कर देता हूँ वी गॉट दी सेम वैल्यूज हे सो इस जगह के ऊपर हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया है मैं वो आपकी रेफरेंस के लिए यहाँ पर दे रहा हूँ ये मैंने आपको यहाँ पर दिखाने के लिए कि आप c4 को c4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए d को d से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यू विल गेट द डी स्क्र हमने इस केस के अंदर x माइनस मीन का होल स्केयर लेना है यानि कि डेविएशन का स्क्वेयर लेना है मैं यहाँ पर सम के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ सम d4 फोर टू डी थर्टीन पेरेंथिस क्लोज आई प्रेसेंटर मेरे पास डेविएशन स्क्यर की वैल्यू आ गई 60. हमने इस जगह के ऊपर सम फंक्शन को टेकअप किया मैं आपकी रेफरेंस के लिए यह सम फंक्शन यहां पर दे रहा हूं हमने यहां पर सिग्मा एक्स माइनस मीन के होल स्क्वायर को निकाला है अब मेरे पास बेसिक इंफॉर्मेशन कंप्लीट है और मैं इसके बेस के ऊपर इन दोनों फंक्शन को साइड बाय साइड लेके चलूंगा सबसे पहले मैं एस टी डी ई वी डॉट एस सैंपल वाले फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ इस जगह के ऊपर इक्वल्स टू एस टी डी ई डॉट एस पेरेन्थीसिस स्टार्ट मैंने यहाँ पर डिविडेंड की ये रेंज को दे दिया दैट इज फ्रॉम बी फोर टू बी थर्टीन पेरेंथीसिस क्लोज आई प्रेस एंटर मेरे पास एक वैल्यू आ गई टू पॉइंट फाइव एट टू यहां पर ये स्टैंडर्ड डिविशन फ्रॉम सैंपल है अब मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए मैं ये फंक्शन को नीचे लिख रहा हूं अब यहां पर मैं स्टैंडर्ड डिविशन फ्रॉम पॉपुलेशन को कैलकुलेट करने के लिए एस टी डी ई वी डॉट पी फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ पेरेंसिस स्टार्ट और मैंने ये डिविडेंड की कंप्लीट रेंज को दे दिया पेरेंथिस क्लोज आई प्रेस प्रसेंटर मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई 2.449। इसके लिए हमने इस फंक्शन को यूज किया है स्टूडेंट हमने एक्सल की मदद से ये दोनों फंक्शन को यहाँ पर टेकअप कर लिया और वैल्यूज़ को निकाल लिया हमने स्टैंडर्ड एवियेसन फ्रॉम पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड एवियशन फ्रॉम सैंपल के अंदर दोनों वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया अब मैं इन्हीं वैल्यूज को स्टेटिस्टिक्स के फंक्शन के थ्रू कैलकुलेट करूंगा हमें स्टेटिस्टिक्स के अंदर ये फंक्शन दिए गए हैं सैंपल के केस के अंदर स्क्योर रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्क्यर डिवाइड बाय एन माइनस वन मेरे को लग रहा है ये कलर शेयर प्रॉब्लम दे रहा है तो मैं ये कलर को रिमूव कर रहा हूं इस जगह के ऊपर मैं इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करूंगा इक्वल्स टू एस क्यू आर टी सिगमा एक्स माइनस मीन का होल स्केयर दिस इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स माइनस मीन का होल स्केयर मैंने यहाँ पर क्लिक कर दिया इसके बाद हमें डिवाइड बाय एन माइनस वन करना है तो मैंने ये डिवाइड कर दिया एन की वैल्यू को टेकअप करने के लिए मैं आपके सामने अगर मैं चाहूँ तो सिंपल टेन माइनस वन कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा लेकिन मैं आपको कुछ डिफरेंट ढंग से इसको करके दिखाना चाहता हूं सो आई विल मेक यूज ऑफ काउंट फंक्शन इन एस क्यू आर टी यहां पर मैं काउंट फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं काउंट कंप्लीट रेंज को मैंने दे दिया पेरेंथीसिस क्लोज माइनस वन पेरे क्लोज स्टूडेंट इसको ध्यान से देखेंगे अभी ये काउंट वाले फंक्शन का पेरेंथीसिस हमने क्लोज किया है अब मैं एस क्यू आर टी के पेरेंथीसिस को क्लोज कर दें जा रहा हूँ आई प्रेसेंट मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आई 2.582 यही वैल्यू मुझे एक्सेल के एस टी डी ई वी फंक्शन ने निकाल के दी थी नाउ दिस इज नॉट फ्रॉम दिस फंक्शन दिस इज फ्रॉम स्टेटिस्टिक्स नाउ आई मूव ऑन टू द लास्ट पार्ट स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन जो कि एक्सेल के फंक्शन के अंदर तो हमने निकाल दिया अब मैं इस फंक्शन को स्टैट की मदद से भी निकालना चाहता हूं मैं यहां पर इस फंक्शन को टेकअप करूंगा पॉपुलेशन के केस के अंदर हमें स्टैट के अंदर फंक्शन दिया गया है n. इस चीज को मैं यहां पर इंप्लीमेंट कर रहा हूं इक्वल्स टू एस क्यू आर टी सिग्मा एक्स माइनस पॉपुलेशन मीन का होल स्केर दिस वैल्यू इज गिवन टू अस हियर तो मैंने डी फोर्टीन दे दिया दिस इज डिवाइड बाय एन के लिए मैं सिंपली चाहूँ तो ये टेन को रेफर कर सकता हूँ या हाथ से भी टेन लिख सकता हूँ लेकिन मैं यहाँ पर काउंट फंक्शन को ही दोबारा से इनबिल्ड करके यूज कर रहा हूँ काउंट फंक्शन काउंट फंक्शन के अंदर मैंने ये नंबर ऑफ ईयर्स की रेंज को दे दिया पेरेंथिस क्लोस लास्ट पेरेंथिस क्लोज फॉर एच क्यू आर टी आई प्रेस प्रेसेंट मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ गई टू पॉइंट फोर फोर नाइन स्टूडेंट बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वैल्यू जो हमें एक्सेल के स्टैंडर्ड एविएशन पॉपुलेशन फंक्शन ने दी वही स्टैट के फंक्शन ने हमें बिल्कुल सेम वैल्यूज दी मैंने इस पर्टिकुलर एक्साइज के अंदर आपको दोनों तरीके से ये चीज़ करके दिखाई एक एक्सेल के फंक्शन के थ्रू और दूसरा स्टेटिस्टिक्स के फंक्शन के थ्रू हमें अगर इन बेसिक चीजों की क्लैरिटी रहेगी तो एक्सेल को समझने में बहुत आसानी रहेगी आई होप नाउ यू कैन परफॉर्म दीज टू फंक्शन एस टी डी वी डॉट पी एस टी डी ई डॉट एस आप इन दोनों फंक्शंस को बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकेंगे थैंक यू वेरी मच